दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेक। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार और उत्तर प्रदेश की चुनाव इन दिनों रोचक होती जा रही है। जहां एक ओर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, लोग उनके बातों पर भरोसा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मोदी और मोदी की कुनबे की हवा निकलती दिखाई पड़ रही है। बिहार और उत्तर प्रदेश में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया था, उस आधार पर जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है, जो आकलन दिख रहा है, उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि बिहार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मुक्की खाने पड़ेगी। जहां एक ओर भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की और दूसरी ओर गरीब गुड़बे और आम लोगों के हित के लिए अखिलेश यादव ने आवाज उठाया और तेजस्वी ने लोकप्रियता हासिल की, 5 लाख लोगों को नौकरी दी। इस नौकरी पाने वाले में उत्तर प्रदेश के भी हजारों हजार लोग हैं, जिसके दिल में यह भावना है कि अगर इंडिया गठबंधन बनेगी तो 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में दिए जाने का जो वादा किए जा रहे हैं वो अवश्य पूरा होंगे। लालू यादव ने स्पष्ट किया है कि मैं डरने वाला नहीं हूं। तो जिस तरह इंडिया गठबंधन का जबरदस्त प्रभाव बढ़ा है, जिस तरह हमला तेज हुआ है, जिस तरह जमीनी बात इंडिया गठबंधन के नेतागण कर रहे हैं और जिस तरह जमीन से जुड़कर बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेतागण, उससे यह स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकती नजर आ रही है। बिहार में 39 सीट पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ जीतकर परचम लहराया था, लेकिन इस बार जदयू की हालत खस्ता है और चिराग पासवान की पार्टी की भी हालत खस्ता है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी इन्हें मदद नहीं कर रहे हैं। चूंकि नीतीश कुमार ने पलटी मारकर मोदी जी को गाली बका और चिराग पासवान ने हनुमान मोदी जी का कहकर जदयू को धोखा दिया, ऐसी स्थिति में जदयू को लोजपा साथ नहीं दे रही, लोजपा को जदयू साथ नहीं दे रहा, दोनों को भाजपा के वर्कर साथ नहीं दे रहे। यह भीतरघात जबरदस्त बिहार में चल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में ऐसा कहा जाता है कि 25 ऐसा सीट है जहां भाजपा लड़ाई से बाहर है। लड़ाई से बाहर होने का मतलब है कि जनता के बीच में जो मकान तोड़े गए, जो घर उजाड़े गए, जिस तरह बुलडोजर चला, उससे कहीं न कहीं लोग परेशान हुए और लोगों के दिल में यह बात घर कर गई है कि भाजपा सरकार लोगों के घरों को तोड़ने में विश्वास रखती है। भाजपा द्वारा किए जा रहे वादे झूठे होते हैं। मोदी जी के आलोचनात्मक राजनीति लोगों को अब उबाने लगी है। आलोचना की राजनीति मोदी जी केवल करते हैं, राहुल गांधी सहित उनके पूरे खानदान को उलट पुलट मोदी जी कहते हैं, जिस बात को लेकर लोगों में नाराजगी है। और बेरोजगारी, महंगाई, नौकरी के मुद्दे को छोड़कर केवल आलोचनात्मक राजनीति करना और अहंकार पूर्ण भाषा का इस्तेमाल करना कि 400 पार अब की होना तय है, तो यह भाषा लोगों के दिल को छूने लगी है। लोग महसूस करने लगे हैं कि मोदी जी बड़बोलेपन का शिकार हो गए हैं। मोदी जी के पार्टी में भी अंदरूनी लड़ाई चल रही है। नितिन गडकरी मोदी जी से अलग होकर अलग राजनीति कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो मोदी जी से पल्ला झाड़ रहे हैं। लड़ाई घनघोर है। बिहार में भाजपा को 20-21 सीट मिल जाए, यही बहुत सहयोगी के साथ मिलकर, चूंकि लोजपा और जदयू तेजी से अपना सीट को गंवाने में लगी हुई है और भाजपा को अपनी सीट मिल जाए और कुछ यह सहयोगी का मिल जाए तो यह बड़ी बात होगी। मान ले आपकी उपेंद्र कुशवाहा घिरे हुए हैं, उन्हें उनके ही लोग पछाड़ रहे हैं। संजय कुशवाहा की भी लड़ने की चर्चा हो गई, पवन सिंह की लड़ने की चर्चा हो गई,
मांझी जी गया में पिछड़ रहे हैं, इस तरह हर जगह की हालत खस्ता है। उसी तरह उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सीट है जहां भाजपा लड़ाई से बाहर है। तो अब देखना होगा दूसरे प्रदेशों की क्या स्थिति है। कहा जाता है कि महाराष्ट्र और राजस्थान में भी भाजपा की हालत बद से बदतर होती जा रही है। यही हाल रहा तो भाजपा को 200 सीट भी मिलना मुश्किल होगा, विशेषज्ञों का कहना है। लेकिन जो भी हो, भाजपा की राजनीति अब छवि और राजनीति धूमिल होती जा रही है और इंडिया गठबंधन के नेताओं की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, लोगों का भरोसा बढ़ रहा है और अब तीसरे चरण का मतदान होना है। अब प्रहार पर प्रहार जारी है, इस प्रहार के शिकार कौन नेता होते हैं और जनता पर क्या असर पड़ता है, यह वक्त रहते ही पता चल पाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अवश्य जाकर आप लिखें, मैं पढ़ता हूं, और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।